हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टबैको मोज़ेक वायरल डिजीज़, वायरस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्ज़ाम्स में, जैसे कि हमारे TGT PGT के एग्ज़ाम्स हो, नीट के एग्ज़ाम्स हो, हर बार TMV से हर बार कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हर एक लाइन को हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पूरी जो PDF है ना, मैंने बहुत ही आसान से तरीके से प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ही ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है, पूरी PDF को एक ध्यान से देखना है अच्छे से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टबैको मोज़ेक के बारे में, टबैको मोज़ेक जो डिजीज़ है ना, वायरल डिजीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं वायरस से फैलता है ये। ये सबसे पहली पहचानी जाने वाली बीमारी है प्लांट्स के अंदर। जैसे कि फर्स्ट रिकॉग्नाइज डिजीज़ जो है प्लांट्स की, वो टबैको मोज़ेक ही है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं वो हम बात करते हैं आगे। अकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार भर में जहाँ भी आपका टबैको ग्रोन किया जाता है, जहाँ भी टबैको को उगाया जाता है, तंबाकू को, वहाँ हर मतलब पूरे संसार भर में ये बीमारी देखने को मिलती है प्लांट्स में, ठीक है। टबैको मोज़ेक डिजीज़ जो है अकर्स ऑन मैनी अदर प्लांट्स, ये जरूरी नहीं सिर्फ तंबाकू के अंदर ही हो, ये और भी कई सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। टबैको मोज़ेक जो है ना वायरल डिजीज़ जो है, ये और भी कई प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे टमाटोज हो गए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ हमारे ग्रीन हाउसेस होते हैं। ग्रीन हाउसेस के अंदर जो भी सब्जियां होते हैं, जो भी फ्लावर्स होते हैं, उनमें ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं ये आप सभी लोग जानते होंगे। ग्रीन हाउसेस को ना कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउसेस में जैसे कि यूज़ फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स को ग्रोन करते हैं, यहाँ पे हम सब्जियों को ग्रोन किया जाता है, फ्रूट्स को ग्रोन किया जाता है। इनफैक्ट इनको यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउसेस को एज अ ट्रांसप्लांट्स के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउसेस क्या है ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। दैट मीन्स हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जो टबैको मोज़ेक है इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कोई प्लांट्स है उसको ये वायरल डिजीज़ हो गई है, तो हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मोज़ेक सिम्टम्स जो होते हैं ये प्लांट्स की स्पीसीज के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। जैसे कि टबैको प्लांट जब इन्फेक्ट होता है टबैको मोज़ेक वायरस से, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ देखने को मिलती है, टिपिकल येलो ग्रीन मॉटलिंग हो जाती है लीव्स की, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ना उनमें मॉटलिंग हो जाती है। किस चीज़ की मॉटलिंग, मतलब कि स्पॉट आ जाते हैं अलग अलग तरह के कलर के, जैसे कि येलो कलर्स के, ग्रीन कलर के, उनकी पत्तियों पर स्पॉट दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज लाइट एंड डार्क ग्रीन एरियाज, यानी कि जो बिल्कुल हरे कलर के या फिर पीले कलर के जो बड़े बड़े से एरियाज इनके वायरस की वजह से दिखाई दे जाते हैं ना, तो इनके जो यंग लीव्स होते हैं, बिल्कुल जो मतलब जो नई ग्रोन हुई लीव्स होती है ना प्लांट्स की, उनमें ये जो पैचेस हैं, जो ये सिम्टम्स हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मॉडलिंग क्या होता है, पैचेस कैसे हो जाते हैं, कौन से कलर के पैचेस होते हैं, सिम्टम, यही तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि सेशन पसंद आए ना तो प्लीज़ गाइस लाइक किया करें सेशन को, शेयर कर दिया करें मैं फ्रेंड्स ग्रुप में, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। इस चैनल के माध्यम से ना आपको बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आपकी 101% हेल्प करेंगे, और ये आप एग्जाम में जाकर देख ही सकते हैं। प्रैक्टिस सेट का पूरा निचोड़ होता है हमारे सेशंस में, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए पूरे सेशंस को हम बनाते हैं, ताकि आपके जो एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए वो हमारे सेशन से मिस ही ना हो, तो इसलिए फुल सपोर्ट किया करें गाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टिपिकल मोज़ेक वायरस है ना, जो सिम्टम है इनसे क्या होता है भाई, ये जो सिम्टम है इसे क्या क्या चीज़ दिखाई देती है हमारे प्लांट्स में, लीफ का डिस्टॉर्शन हो जाता है। दैट मीन्स जिस भी प्लांट पर टबैको मोज़ेक वायरल हो गया है उन प्लांट्स की लीफ, उनकी शेप बिगड़ जाती है, यानी कि डिस्टॉर्शन हो जाते हैं उनकी लीव्स में। एंड मेल फॉर्मेशन, वही बात है, उनकी जो प्लांट है उसकी विकृति हो जाती है, मतलब कि शेप बिगड़ जाती है। एंड ड्यू टू द डार्क ग्रीन ब्लिस्टर्स और स्वेलिंग, वही हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं। स्टंटिंग ऑफ यंग प्लांट्स आल्सो अकर्स, यानी कि जो यंग प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, तो उसको स्टंटिंग कहा जाता है, ठीक है गाइज। तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं ये हमारे प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, यदि कौन सी हमारे जो टबैको वायरल डिजीज वो प्लांट्स में हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब किस चीज़ से फैलता है, क्या रीज़न क्या है, वो सब बातें देखते हैं हम। जैसे कि बात करते हैं आगे,
टबैको मोज़ेक वायरस इज रॉड शेप, एक अगेन क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट बच्चे करते हैं कि पूरी जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ से मिले, तो पूरी मैंने चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख लेना, हर एक टॉपिक की फंजाई हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पाइनस वगैरह जो भी है ना, पूरी इकोनोबॉटी मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहाँ जाकर आराम से आप देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर सभी टॉपिक मैंने अपलोड करे हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मैंने कमेंट्स में रिप्लाई भी किया था, फिर भी आप ये क्वेश्चन करते हैं कि प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो प्लेलिस्ट का पूरा ना पूरी प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कर लिया करें, आप चैनल की लिस्ट में जाके वहाँ आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मैंने एक सीक्वेंस वाइज क्रिएट की हुई है, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप, वहाँ मैं आपको बता दूंगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें टबैको मोज़ेक वायरस, बेसिकली रॉड शेप्ड होते हैं, हम इनकी शेप की अगर बात करें तो कम से कम 300 माइक्रोमीटर की इनकी होती है लेंथ, लंबे होते हैं मतलब इतने ये वायरल जो होते हैं, और 15 माइक्रोमीटर जो इन वायरस है इनकी डायमीटर होता है, ठीक है। ये जो वायरस है ना टबैको मोज़ेक वायरस जो है अपने आप में बहुत ही स्टेबल वायरस होता है, ये मतलब कि ये कई कई सालों तक ऐसे ही स्टेबल पड़ा रहता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, इनफेक्टिव होता है, लेकिन जैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग आएंगी तुरंत अपने रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो बात करते हैं उसी के बारे में, कैन रिमेन इनअफेक्टिव फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स, कम से कम 50 साल तक भी ये इनअफेक्टिव हो सकता है, यदि ड्राई टिश्यूज में देखने को मिलते हैं ये, कुछ महीनों तक इक्विपमेंट हों जिनके जिनमें वो इक्विपमेंट का जिनमें हमारे वायरल लग गया हो उसकी वजह से, ग्रीन हाउसेज फ्रेम में लगे रहते हैं, सॉ डस्ट में, टूल्स में, इनफैक्ट सॉइल में भी ये कई कई सालों तक पड़े रहते हैं। TMV इसलिए इसको कहा जाता है मोस्ट स्टेबल वायरल, ठीक है। और TMV जो है टबैको मोज़ेक वायरस, ये बहुत ही इन्फेक्टियस प्लांट वायरस है जो कि अब तक देखा गया है, और ये मैकेनिकली फैलता है। मैकेनिकली का मतलब जानते हैं आप, बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बेसिक से पढ़ाया जाए ताकि हमारे कोई भी ऐसे बच्चे ना हो जिनको कि कोई बेसिक चीज़ें मैंने बोल दी सेशन में पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या था। तो मैकेनिकली का मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई टबैको का प्लांट है, मतलब पूरा खेत है वहाँ टबैको उगाए जा रहे हैं, वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने च्यू किया मतलब चबाया उस चीज़ को, वर्कर के हाथ में लगे हुए वो वायरस उनके तरीके से प्लांट में इम्प्लांट हो जाते हैं, उनके कपड़ों पर अगर वायरस लगा हुआ है तो इम्प्लांट हो जाएगा, उनके टूल्स में अगर ये वायरस लगा हुआ है तो प्लांट्स में इम्प्लांट हो जाएगा। भाई वायरल है, बहुत जल्दी ट्रांसमिटेड होता है, तो मैकेनिकली का मतलब यही होता है कि भाई उनके कपड़ों से, उनके टूल्स से या वर्कर्स के हैंड से ये चीज़ ट्रांसमिटेड हो जाती है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि TMV ट्रांसमिट बाई मैकेनिकली, ठीक है। तो मैकेनिकली का मतलब ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे द वायरस इज ट्रांसमिटेड, कैसे वायरस होता है, कैसे सबसे ज़्यादा जो ये फैलता है वायरस, किस तरीके से फैलता है प्लांट से प्लांट में, बाय द हैंड्स एंड इंप्लीमेंट ऑफ द वर्कर, जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं उनके हाथों के माध्यम से, क्योंकि उनके हाथों में चीज़ें लगी रहती है, अगर वायरस उनके हाथ में आ गया ना किसी रीज़न से, फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसी चबा रहे इसमें कि तंबाकू है, वो तंबाकू ही चबा रहे हैं, उसके बाद तुरंत उन्होंने जाके खेतों में काम कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये जो वायरस है ये बहुत बहुत सालों तक किसी भी इक्विपमेंट में रह सकता है, तो उन्होंने जो चीज़ चबाई है उसमें वो यदि वायरस है तो उन प्लांट में इम्प्लांट हो जाता है, तो पूरे ही फसल जो है वो बेकार हो जाती है हमारी यदि वायरस उन प्लांट में चला जाता है तो। फिर ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है वही बात है, ऑल फॉर्म्स ऑफ टबैको प्रोडक्ट यूज बाय ह्यूमंस मे कैरी TMV, यही बात मैंने आपको बताया कि टबैको जितने प्रोडक्ट हैं जो भी ह्यूमंस यूज करते हैं उनके यदि वो चबा रहे हैं फिर इनहेल कर रहे हैं उन सब में भी TMV कैरी हो सकता है, यही बात हमने आपको बताई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टमेटो पेपर एंड सेवरल अदर मेंबर ऑफ पेपिलियोनेसी फैमिली है, पेपिलियोनेसी फैमिली हो या किनोपिडेसी हो या फिर सोलेनेसी हो, इन सभी में ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ये सभी बेसिकली क्या है, हॉस्ट एंड TMV के, यानी कि टबैको मोज़ेक वायरस की जो हॉस्ट है फैमिली वो यही होती है बेसिकली, इंपॉर्टेंट पेपिलियोनेसी है, किनोपिडेसी है, सोलेनेसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते, कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी अगर पॉइंट है वो समझ में अच्छे से आ जाए। गाइस अपना जो मोटो है ना सिर्फ सिंपल यही होता है कि यदि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ ना उसका 100% आपके अंदर जाना ही चाहिए, वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आनी ही चाहिए, वरना बेकार है मेरा पढ़ाना फिर, क्योंकि हर एक बात को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ना प्रॉपर ये होती है कि हिंदी और किसी माध्यम के बच्चे हो ना उनको बात अच्छे समझ में आ जानी चाहिए, भले मैंने PDF किसी माध्यम से प्रिपेयर की हो लेकिन आपको बस समझ में आना चाहिए वो बात, इंपॉर्टेंट ये होती है, क्योंकि लिखना तो है नहीं हमने एग्जाम में टिक ही लगाने, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए, और एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपको मिलते हैं वहाँ पे। वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दीज इन्फेक्टेड प्लांट्स टू टबैको मैकेनिकली कैसे फैलता है मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारी वीड्स के माध्यम से भी, जो वीड्स होती है ना हमारी, ये भी टबैको मोज़ेक वायरस का होस्ट मानी जाती हैं, मतलब उनका होस्ट होती हैं वो। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो कंट्रोल मेजर्स किस चीज़ से रोकथाम हो सकती है भाई इस वायरस की, ये भी हमको देखना है। तो मोस्ट इफिशियंट वे तो यही होता है कि इस मोज़ेक से हमारी जो फसल है ना उसको बिल्कुल फ्री रखा जाए, कोशिश यही करी जाए कि जो वायरस है वो हमारी फसल के आसपास तक पहुँचे भी ना, ठीक है।
उसके तो यही हो सकता है कि जो लोग उसको मतलब उनके हाथों में वो टबैको ना लगा हो, वायरस ना लगा हो, उनके कपड़ों पे भी ना, उनके टूल्स में भी ना, उस मिट्टी में भी ना हो, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए सबसे पहले तो कि वो जो पूरा फील्ड है वो फ्री हो टबैको मोज़ेक वायरस से ही। नेक्स्ट, पूरे फील्ड का सैनिटेशन करना चाहिए। रचिन वेराइटी जो है ये भी इसका बेस्ट कंट्रोल हो सकती हैं। सबसे पहले थर्ड बात, ये वर्कर शुड नॉट स्मोक और च्यू टबैको वाइल वर्किंग इन एन अराउंड फील्ड। दूसरी बात, जो वर्कर हैं ना ही तो वो उस दौरान टबैको को चबाएं, ना ही उसको इनहेल करें उस तरीके से जब वो फील्ड में काम कर रहे हों, ठीक है। नेक्स्ट, अदर कंट्रोल मेजरमेंट तो यही है कि भाई जो रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट, जो प्लांट्स बेकार हो गए हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दिया जाए सीजन के अर्ली में ही। रोटेटिंग ससेप्टेबल क्रॉप्स को जैसे कि टबैको, टमाटो और पेपर हैं, इन सबको नॉन होस्ट क्रॉप्स को उगाया जाए ताकि उनके होस्ट ही ना हो, मतलब वहाँ वायरस पहुँचे ही ना। तो इस तरीके से पूरा इनका जो रोकथाम है वो की जाती है। तो पूरा सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं TMV का। इस रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।